स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ ज्योग्राफी का सेकंड मैप। पहले मैप में आपने ये देख लिया था कि भारत की अलग अलग लोकेशन क्या हैं और कैसे राज्य भारत के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है। वहाँ हमने ये देख लिया था कि इंडिया में टोटल, आपको याद होना चाहिए हमेशा, 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। केंद्र शासित प्रदेश। इसी कड़ी में आज जो पहला जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो है ज्योग्राफी का मैप। किसकी लोकेशन है इसमें? पोर्ट्स की। पोर्ट तो इंडिया के अंदर, अगर आप पहले पोर्ट को जान लोगे, पोर्ट क्या है क्या नहीं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि पोर्ट क्या होते हैं। पोर्ट को आप कई नाम से जान सकते हो, बंदरगाह, पोताश्रय, ये कई सारे वर्ड आपके आएंगे, बंदरगाह हो गया, पोताश्रय हो गया, तो उस चीज को हम बोलते हैं पोर्ट। इंग्लिश में पोर्ट बोल देते हैं, हिंदी में इसे बोलते हैं बंदरगाह और पोताश्रय। ये वो जगह होती है जहां पर बड़े जहाज, शिप, जो कंटेनमेंट्स होती हैं, वो आके ठहरती हैं और अपना जो सामान है वो उतारती हैं। अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि इंडिया के अंदर अगर आप ये देखोगे कि सबसे ज्यादा व्यापार किससे होता है, तो सबसे ज्यादा व्यापार जो होता है वो बंदरगाहों के जरिए ही होता है। क्योंकि अगर हमें सामान मंगाना हो, मान लो चाइना से, तो अमेरिका से, तो वो सारा सामान बड़ी बड़ी शिप्स में ही आता है और जरिया नहीं है। अगर आप एरोप्लेन्स की बात करो तो उनकी कैपेसिटी नहीं होती इतनी, वैसे भी उसे हवा में उड़ना होता है, तो जो शिप्स हैं वो सबसे ज्यादा माल को लेके आती है। जब से संस्कृति शुरू हुई तब से ही ये मान के चलो कि जो चीजों का आदान प्रदान एक देश से दूसरे देश के बीच में होता है तो वो शिप्स के जरिए से होता है। तो शिप्स को ठहरने के लिए जो जगह चाहिए होती है उसे कहते हैं बंदरगाह। तो ये तो ज्योग्राफी में आके चल के आ ही जाएगा आपका, जब आप लास्ट चैप्टर स्टडी करोगे कि बंदरगाह, पोताश्रय क्या होते हैं। तो आप सिंपल सी ये बात जान ले कि बंदरगाह, जहां पर बंदरगाह या पोताश्रय, वो जगह होती हैं जहां पर बड़े जहाज आकर ठहरते हैं और उनसे सामान उतारा जाता है। तो ये आप बिल्कुल ध्यान रखें। और इसी के साथ में एक चीज और जोड़ देता हूं, उसे बोलते हैं पतन। एक पतन इंपॉर्टेंट वर्ड आता है, पतन। अगर आप कभी भी बंदरगाहों के बारे में, पोताश्रय के बारे में पढ़ेंगे तो उसके साथ में आप एक चीज पढ़ेंगे, पतन। पतन वो रास्ता होता है जहां से जहाज बंदरगाह के अंदर एंटर करता है। तो पतन तो क्या है? रास्ता है जहां से आपका शिप एंटर करता है बंदरगाह के अंदर। और बंदरगाह क्या है? वो जगह जहां पर जहाज रुकते हैं, जहां पर जहाज रुकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है और हमें बिल्कुल ध्यान रखना है कि पतन क्या है, बंदरगाह क्या है, पोताश्रय क्या है। बंदरगाह, पोताश्रय एक ही बात है, लेकिन पतन क्या होता है? वो रास्ता होता है जहां से जहाज एंटर करता है। और इसी कड़ी में बंदरगाह भी दो तरह के होते हैं, एक प्राकृतिक होता है और एक होता है कृत्रिम। अब इस पर ज्यादा नहीं जाऊंगा। प्राकृतिक जो प्रकृति के अंदर से बने हुए हैं पहले से ही, कृत्रिम जो हम काट के बनाते हैं और रास्ता देते हैं जहाजों को अंदर जाने के लिए, खड़ा करने के लिए, चट्टानों को काट के बनाया जाता है। तो वो चीज हम नहीं पढ़ेंगे, वो तो ज्योग्राफी में जब डिटेल आएगा तब पढ़ेंगे। अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है मैप वर्क। तो आप दो बातें हमेशा याद रखना, पतन वो रास्ता है जहां से जहाज एंटर करता है, बंदरगाह, पोताश्रय जहां पर जहाज रुकते हैं, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं पोर्ट। तो उसके बाद अब मैप वर्क पे आ जाओ। तो मैप वर्क में इंपॉर्टेंट ये है, हमें ये जानना है कि भारत के अंदर कितने बंदरगाह हैं। तो भारत के अंदर बड़े बंदरगाह जो हैं वो है 13। 10 से 12 की मैं डिटेल बताऊंगा, लेकिन 13 बंदरगाह भारत में बड़े हैं जिन्हें हमें पढ़ना है और जिनकी लोकेशन एग्जाम में आ सकती है भरनी। और छोटे बंदरगाह जो है भारत में वो करीब करीब 200 के नजदीक है। एग्जैक्ट डाटा नहीं है, 200 हैं, 187 हैं, तो हैं 200 करीब करीब मान के चलो कि भारत के अंदर छोटे, या कुल मिला के 200
छोटे बंदरगाह, कुल मिला के आपके पास बड़े बंदरगाह 13 हैं। उसी कड़ी में मैं स्टार्ट करता हूं और लोकेशन आपको एग्जैक्ट बिल्कुल जैसे मैंने डॉट लगा रखा है वहीं पर लगानी है, तो उससे आपको बिल्कुल आसानी होगी कि मैप में हम लोकेशन पहले देख चुके। तभी मैं कह रहा हूं कि पिछला वीडियो जरूर देखें ताकि आपको पता हो कि गुजरात कहाँ है, महाराष्ट्र कहाँ है, तो आप इजीली ये बता पाओगे कि कौन सा बंदरगाह कहाँ है। तो आपको ये लिखना भी है कौन सा बंदरगाह कहाँ है। तो सबसे पहला बंदरगाह जो मैं आपके सामने बताता हूँ, जो आपके सामने लेके आया, वो है सबसे पहला, अगर मैं इस जगह को देखूं, ये पश्चिमी दिशा है, तो इसके अंदर सबसे पहला है कांडला। कांडला जो है वो गुजरात में है। अब ये आपको याद हो जाना चाहिए कि कांडला कहाँ है, गुजरात में। तो ये जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो कांडला की है, ये है कांडला और ये जगह हो गई गुजरात। और कांडला को एक विशेषकृत रूप से जानना है कि कांडला के अंदर फ्री ट्रेड होता है, मतलब एग्जैक्ट नहीं कि कौन सा ट्रेड करना है या नहीं करना, फ्री ट्रेड मतलब मुक्त व्यापार इससे होता है। काफी चीजों का आयात निर्यात यहां से किया जाता है, जितने भी छोटे मोटे वस्तुएं सामान होते हैं, तो यहां से क्या किया जाता है, चीजों का आयात और निर्यात किया जाता है, जैसे फल हो गए, सब्जियां हो गई, ठीक है, लौह अयस्क भी हो गया, कोयला भी हो गया, तो सब चीजों का ये जो बंदरगाह है वो क्या करता है, व्यापार करता है। इंपॉर्टेंट है कांडला, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना गुजरात में, और बड़ा बंदरगाह है। उसके बाद नीचे आ जाओ महाराष्ट्र के अंदर, मुंबई, मुंबई भी बोल देते हैं इसको, जवाहरलाल नेहरू पतन भी बोल देते हैं, जवाहरलाल जवाहरलाल नेहरू पतन भी बोल देते हैं, सॉरी जवाहरलाल नेहरू पोताश्रय भी इसको बोल देते हैं। तो मुंबई के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मुंबई जो है वो सबसे बड़ा बंदरगाह हमारे इंडिया में है और सबसे ज्यादा व्यापार जो होता है वो मुंबई से ही होता है। फ्री ट्रेड जोन में भी है ये, अगर मैं कांडला को फ्री ट्रेड जोन में रख रहा हूं तो ये भी फ्री ट्रेड है, क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्ट वो नहीं है कि कच्चा जो माल है वो पाया जाता है, क्योंकि अगर आप देखोगे कि झारखंड है, झारखंड छत्तीसगढ़, यहां पर कोयला हो गया, लौह अयस्क हो गया, तो जो यहां वाले बंदरगाह हैं, पूर्वी दिशा के जो बंदरगाह हैं, वहां से अधिकतर एक पर्टिकुलर चीज का ट्रेड होता है, पर्टिकुलर चीज का व्यापार होता है। तो ये जो लोकेशन है वो मुंबई की है और बहुत इंपॉर्टेंट है मुंबई, क्योंकि मुंबई भी फ्री ट्रेड है और सबसे बड़ा हमारे यहाँ बंदरगाह है। तो मुंबई के बाद जो अगला बंदरगाह है गोवा के अंदर, वो है मारम गोवा। मारम गोवा जो है वो गोवा में है। तो सेकंड बंदरगाह जो हमने किया वो किया मुंबई। मुंबई कहाँ है, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र। और तीसरा तीसरा जो है वो है मारम गोवा। मारम गोवा ये है गोवा में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है तीन बंदरगाह आपके सामने, कांडला गुजरात में, मुंबई महाराष्ट्र में, और मारम गोवा गोवा में। उसके बाद नीचे आ जाओ, छोटे व्यापार के लिए है मारम गोवा, ज्यादा नहीं, इतनी डेंसिटी नहीं, इतना घनत्व नहीं इसका। तो उसके बाद जो अगला है वो आता है कर्नाटका में, वो है न्यू मैंगलोर। न्यू मैंगलोर बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यू मैंगलोर भी फ्री ट्रेड के लिए है ये भी, ठीक है। और बाकी हमें पता है कि कर्नाटका में सबसे अधिक सोना पाया जाता है, सोने की खाने जो हमारी हैं वो कर्नाटका में है, तो उस चीज का इंपोर्ट एक्सपोर्ट न्यू मैंगलोर से होता है। तो चौथा बंदरगाह जो है वो है न्यू मैंगलोर, न्यू मैंगलोर, और ये बंदरगाह है कर्नाटका में, कर्नाटका में। पांचवें बंदरगाह पर आ जाओ, पांचवा बंदरगाह केरला में, कोच्चि, बहुत इंपॉर्टेंट है केरला में जो है वो है कोच्चि। तो केरला के अंदर कोच्चि है, प्राकृतिक बंदरगाह है कोच्चि और इंपॉर्टेंट बंदरगाह, क्योंकि अगर आप इस कोच्चि को जाने तो सबसे पहले जो वास्को डिगामा आया था हमारे देश में, वो इसी मतलब हिंद महासागर के अंदर आता हुआ और फिर केरला के अंदर ही सबसे पहले आया था। तो इसीलिए केरला का जो बंदरगाह है वो अपने आप में इंपॉर्टेंस रखता है। और यहाँ पे सोलर प्लांट या तैरता हुआ बंदरगाह भी से बोलते हैं। तो ये बात आप याद रखोगे कि केरला के साथ एक बात जुड़ी हुई है, कोची के साथ एक बात जुड़ी हुई है, वो है तैरता हुआ बंदरगाह। तैरता हुआ बंदरगाह भी से बोलते हैं और यहाँ पर सोलर पैनल से काम चलता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोची के अंदर
सोलर पैनल लगाया गया है जिससे क्या ली जाती है, एनर्जी ली जाती है। ठीक है, तो ये सब हैं आपके पश्चिमी दिशा के बंदरगाह। पश्चिमी दिशा के बंदरगाह में सबसे पहले कांडला गुजरात में, मुंबई महाराष्ट्र में, मारंगोवा गोवा में, और न्यू मैंगलोर कर्नाटका में, और पांचवा है केरला। तो केरला के अंदर है कोच्चि, बहुत इंपॉर्टेंट है पांचवा बंदरगाह। पूर्वी दिशा के अगर आपने देख लिए, सॉरी पश्चिमी के, अब हम पूर्वी दिशा की तरफ चलें तो उसमें सबसे पहले तमिलनाडु में सबसे नीचे जो ये बंदरगाह है, ये है तूतीकोरिन। तूतीकोरिन, तो तूतीकोरिन बंदरगाह, तूतीकोरिन बंदरगाह जो है वो है तमिलनाडु में, और तूतीकोरिन के बाद सातवां बंदरगाह आप देखोगे तो तमिलनाडु का ही एक और बहुत मुख्य बंदरगाह, वो है चेन्नई। चेन्नई बहुत इंपॉर्टेंट है, और चेन्नई और इन्नौर एक और साथ में है, यहीं पर साथ में वो है इन्नौर। और तीनों ही बंदरगाह ये भी मुक्त व्यापार के लिए ही है। ठीक है, हर तरह का ट्रेड यहां से हो सकता है, क्योंकि कोई इंपॉर्टेंस यहां नहीं है कि वो खाने हैं कुछ है, ऐसा कुछ नहीं। तो हर तरह का ट्रेड आप तमिलनाडु से भी कर सकते हो। तो सातवां जो है वो है आपका चेन्नई तमिलनाडु में, और आठवां भी है इन्नौर जो है तमिलनाडु में। तो आपको ये सब बातें जान लेनी है कि तमिलनाडु में तीन बंदरगाह है बड़े, उसमें है तूतीकोरिन, इन्नौर और चेन्नई, दोनों की लोकेशन सेम आएगी। उसके बाद ऊपर चलो तो ये है आपका आंध्रा, ये तेलंगाना था तो ये आंध्रा। आंध्रा में जो है वो है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम बहुत इंपॉर्टेंट बंदरगाह है विशाखापट्टनम, क्यों, इसकी खूबी क्या है, सबसे गहरा बंदरगाह है। अब आपको ये बात याद रखनी है, विशाखापट्टनम जो है वो है आंध्र प्रदेश में, और इंपॉर्टेंस क्या है, सबसे गहरा बंदरगाह है, और दूसरा जहाज रिपेयर होने का काम यहां पर होता है, जहाज रिपेयर और गहरा बंदरगाह। गहरा बंदरगाह बोल दो, पोताश्रय बोल दो, तो बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में कि अगर आपसे कोई कभी पूछ ले कि जहाज रिपेयर जो इंडिया में होते हैं वो कहां होते हैं, विशाखा